गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 12th टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर 6th यूनिट, दैट इज रे ऑप्टिक्स का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी सरफेस है जिसको हम एक्स वाई से कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो सरफेस है वो क्या करता है, रेयर मीडियम को किससे सेपरेट करता है, डेंसर मीडियम से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल है, तो हमारे पास अगर यहां से कोई भी एक रे ऑफ लाइट आती है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ बनाएगी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये जो फिनोमिना है लाइट का अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से मुड़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एंड इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो पाथ ऑफ लाइट रे है इज कॉल्ड इंसिडेंट रे इन फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे इन द सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट किया है वो इंसिडेंट रे है, और जो दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने दो रे डायग्राम दिखाए हैं, जहाँ पर भी हम इनकी बात करेंगे इनको रे डायग्राम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक शो किया है, वो ऊपर क्या है, रेयर मीडियम, और यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया है, तो जैसे ही कोई एक रे ऑफ लाइट आती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ कब मुड़ेगी, अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में आती है। अगर हम इसका उल्टा करें कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो वो क्या होगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एंगल मैंने शो किया है, ये डेल्टा शो करता है डेविएशन, कि कितने एंगल से वो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये दोबारा से हमारे पास प्लस टू के अंदर आता है। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन है उसके लॉज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे कोमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर देखो मैंने एक सरफेस ड्रा किया था एक्स वाई जो सेपरेट करता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन के अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड में हम डिफाइन कर सकते हैं When light goes from one medium to other medium, the frequency of light, कभी भी light की frequency change नहीं होती due to refraction of light, but the velocity and wavelength of light changes. तो आपने ध्यान रखना है कि frequency change नहीं होती, जबकि velocity है वो decrease हो जाती है अगर rare से denser में आता है, और wavelength भी decrease हो जाती है अगर कोई भी ray of light rare medium से denser medium के अंदर enter करती है। ठीक है, और थर्ड हम बता सकते हैं जो काफ़ी अच्छा अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ स्नेल्स लॉ। तो इसका जो थर्ड लॉ है, दैट इज रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, कि हमारा जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और म्यू वन क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
चाहे हम इसको ऐसे लिख दें या इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से नोट करते हैं, म्यू एक ग्रीक लेटर है जो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि हमारे पास दो मीडियम की जो स्पीड का रेशो होगा लाइट की, उस रेशो का जो वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज दैट करैक्टरिस्टिक विच डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। कि उस मीडियम के अंदर उस लाइट की स्पीड की जो कैलकुलेशन होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ना कोई यूनिट होती ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर ही होगी, कभी भी 1 से लेस नहीं होती। तो यहाँ पर आपने, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया यहाँ पर, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें मीडियम का, लाइट का, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर हम एक मीडियम क्या मान के चले, वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, 3/2 या 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, 4/3, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1.33। तो ये आपने 10th क्लास में स्टडी किए थे। ठीक है, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या था, 2.42, आपने 10th में पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे पास कोई भी दो मीडियम मान सकते हैं, जैसे पहले मान लिया वाटर से ग्लास के अंदर एंटर करती है, तो जब हम उनका रेशो शो करते हैं तो दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, यानी अगर ग्लास को कंपेयर करें वाटर से, तो वो क्या होगी, हमें पता है ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 3/2, और वाटर के लिए क्या होता है, 4/3। जब इसको सोल्व करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 9/8। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू डायमंड, अगर ग्लास से डायमंड के अंदर एंटर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है सोल्व करने के बाद, 8/5। ओके, तो आपने एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखने, अगर आपने न्यूमेरिकल कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।